अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और खुश आबाद होंगे। बनाते हैं आज बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब हांडी, जो कि उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए, मैंने कोई बहुत मुश्किल से इंग्रेडिएंट्स नहीं लिए, मैं बहुत सादे से इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो हम आज अपनी डिश को तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है कीमा, इसको मैंने वॉश करके तो अच्छे से ड्रेन कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसके अलावा इसमें जाएगा प्याज, इसमें जाएगा पुदीना, हरी मिर्च और हरा धनिया। इसमें जो सूखे मसाले जाएंगे उसमें है हल्दी, दादर मिर्च है मेरे पास, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया और ये तुर्किश मसाला है कबाब बनाने का, जो कि हमारे यहाँ जो है वो इजीली अवेलेबल है यहाँ पे तुर्किश मार्केट्स में, तो मैंने वहाँ से लिया है। यहाँ पे रहने वाले, जर्मनी में रहने वाले जो लोग हैं वो इसको ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास के नहीं है तो आप इसके बगैर भी बहुत मज़ेदार से बना सकते हैं, बस मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए। इसके अलावा मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है और मेरे पास है लीमू। तो हम क्या करेंगे अब कि सबसे पहले इन सब चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, आपस में मिक्स कर लेते हैं मिक्सर में। जी, तो मिक्सर मैंने ले लिया है और अब इसमें डालेंगे हम कीमा। कीमे में डालूंगी मैं अपने सारे खुश्क मसाले और बस इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसको लिटरली 1 से 1.5 मिनट जो है वो मैंने इसको ग्राइंड किया है और ये देखें ये कितने अच्छे से जो है वो पिस भी गया है। लेकिन अभी हमें इसमें और मसाले भी डालने हैं तो ये और ज़्यादा पिसेगा। ये जितना अच्छा पिसेगा उतने ही ज़्यादा जो है अच्छे हमारे सीख कबाब बनेंगे। और जब सीख कबाब अच्छे बनेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो हांडी है वो भी बहुत मज़े की बनेंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट है और हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, सब हरा मसाला, प्याज सब डाल के इसको हम दोबारा से अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। और हाँ, ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा लीमू को डालना, लीमू से इसका जायका बहुत ही मज़ेदार आएगा। दोबारा से हम इसको बंद करके तो बस मशीन दोबारा चला के सबको मिक्स कर लेते। तो ये देखिए कितने अच्छे से जो है वो सारा कुछ इसमें मिक्स हो गया है। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज की कमी है जो हम अब डालेंगे, वो है ऑयल। कोई सा भी ऑयल जो है वो आप ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। और इसको बस कुछ सेकंड्स के लिए और चक्कर दे देंगे ताकि जो ऑयल है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, ये है इसकी फाइनल लुक। जी, तो अमेजा जो है वो मैंने सारा एक बाउल में निकाल लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे, मेरे पास फ्रेश क्रीम है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इस स्टेज पे मलाई भी डाल सकते हैं। बस क्रीम डाल के तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है दोबारा से चम्मच के साथ। अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि आपका अमेजा जो है वो इतना टाइट नहीं है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स या भुना हुआ जो बेसन होता है वो डाल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें मुझे कुछ और डालना चाहिए, इसलिए मैं अब बस इसका जो है वो बना लूँगी सीख कबाब जो है उसकी शक्ल दे दूँगी। जी, तो देखिए मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल से मैं अपने दोनों हाथों को जो है देखें ऐसे अच्छे से ऑयलिंग कर लूँगी और फिर पकूँगी अपना ये जितना मुझे अमेजा लेना है एक कबाब के लिए, क्योंकि इसकी हांडी बनेंगी तो इसलिए ये बहुत लंबे लंबे वाले कबाब तो नहीं बनेंगे, ज़रा साइज में नॉर्मल कबाब से थोड़े छोटे ही होंगे। जी, तो देखें ऐसे ही मैं सारे एक एक करके बना लूँगी और फिर इनको जो है देखते हैं कि मैं आगे क्या करूँ। जी, तो कबाब जो हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं कि मैंने बना लिए हैं। चूल्हा मैं करती हूँ अपना ऑन, थोड़ा ऑयल डालते हैं,
जी, तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम एक एक करके अपने जो सारे कबाब हैं वो इसमें डालते जाएंगे। जी, तो अब हम जो है इनको मीडियम आंच पे अच्छे से पका लेते हैं। चार से पांच मिनट जो है वो मुझे एक साइड से पकाते हुए हो गए हैं, तो अब हम इनको पलट के देख लेते हैं। तो बस ऐसे ही चार से पांच मिनट जो है वो हम इस साइड से भी बना लेंगे। बहुत ज्यादा तो हम इसको पकाएंगे नहीं, क्योंकि अभी हमें इसकी ग्रेवी भी बनानी है और उसमें भी इंशाल्लाह ये पकेंगे, तो बस हम निकाल लेंगे। देखें दोनों साइडों से कितना प्यारे कलर्स हैं वो आ चुके हैं। तो बस मैं ऐसे ही बाकी के भी सारे जो कबाब हैं वो तैयार कर लूँ। जी, तो देखिए किस कदर मज़ेदार से कबाब जो हैं वो हमारे बनके तैयार हो गए। और अब हम आएंगे इसकी ग्रेवी की तरफ, जो कि मैं बनाऊंगी कुछ डिफरेंट से तरीके से। बस आपने रेसिपी को मिस नहीं करना है और आगे देखें कि मैं मज़ेदार सी और बहुत हेल्दी सी इसकी ग्रेवी जो है वो कैसे बनाती हूँ। तो कबाब बनाने के बाद अब हम आते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ। तो उसके लिए देखिए मैंने टमाटर ले लिए हैं, हरी मिर्चें हैं, प्याज है, लहसुन है और अदरक है। तब हम क्या करेंगे, हम इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी, इतना पानी ऐड करेंगे कि जो हमारी सारी चीज़ें हैं उसमें अच्छे से डिप हो जाएं। और ये देखिए मैंने ऊपर इनके कट वगैरह लगा दिए हैं ताकि ये अच्छे से इसका जो टमाटर का छिलका है वो हम अलग कर सकें। तो हम इसको अच्छे से बॉइल कर लेते हैं इतना कि ये जो है ये गलने वाले हो जाएं। तो मिलते हैं हम 5 से 7 मिनट के बाद। जी देखें कितने अच्छे से जो है वो हमारी चीज़ों को बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पे इसको सिर्फ 2 मिनट लगे हैं इसको इस तरह का बॉयल आने में, और 5 मिनट जो है वो हम इसको इस तरह के बॉयल में अच्छे से पका लेंगे। और ये देखें सारा कुछ इसमें से निकाल लिया है, ये सब गल गुल गए हुए। और ये देखें इसके ऊपर से जो इसका छिलका है ना, ये देखें कितने मज़े से उतर रहा है। तो बस मैं ऐसे ही इसका सारा जो टमाटर का छिलका है ना वो उतार लूँगी और इनको ठंडा कर लेती हूँ। जी, तो हमारे जो प्याज और टमाटर हैं वो ठंडे हो चुके हैं, हम इनको जो है वो पीसेस में कर लेंगे ताकि इजीली जो है ये ग्राइंड हो जाएं। इतने अच्छे से जो है ये बॉयल हो चुके हैं, बस इनको वो कहते हैं एक दो चक्कर आएंगे तो ये बिल्कुल सारे के सारे पिस जाएंगे। पहले डालते हैं हम प्याज, हरी मिर्चें और जो लहसुन था। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर और इनको भी अच्छे से हम पीस लेंगे। इतने अच्छे से जो है वो मिक्स हो गए। हम कबाब का अच्छा सा सालन बनाते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं। जी, तो पैन जो है बड़ा वाला मैंने ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल। ऑयल आप अपनी मर्जी से नहीं, जितना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उतना इस्तेमाल करें। और ऑयल में हम डालेंगे थोड़े से जो है खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिया है जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ले रही हूँ। खाना बहुत कम मसालों में बनाएं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस थोड़ा सा आपको तरीका फॉलो करने की ज़रूरत होती है। आप एक अच्छे मेथड से अगर खाना बनाएं तो बहुत कम मसालों से भी खाना बहुत मज़े का बन सकता है। ये अच्छे से फ्राई हो गया, तो अब इसमें मैं डालूंगी अपना ये पिसा हुआ मसाला जो मैंने ग्राइंड किया था मसाले को, वो वाला, और इसको अच्छे से जो है वो मैं भून लेती हूँ। अब हम इसमें मसाले अपने डालेंगे ग्रेवी के लिए, जिसमें मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी। बस बहुत ज़्यादा मसाले नहीं खाने हैं हमने, पर ना ही हमने इस्तेमाल करने हैं। इस
इसको अच्छे से मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि हमने जो मसाले डाले हैं उनका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो जी 2 से 3 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं और अब हम अपने मसाले को खोल के देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी और यम्मी सी जो है वो खुशबू आ रही है। आँच में थोड़ी तेज करूँगी और अब इसमें मैं ऐड करूँगी अपने कबाब। अलग अलग से फैला दूंगी ताकि जो हैं ये उसमें घुल मिल के ना लड़ाई करते तो ये जो हैं ये ज़ख्मी ना हो जाए। इनको ज़ख्मी होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इनको अलग अलग जो है वो ज़रा करें। जैसे 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही पकाती हूँ इनको ताकि जो मसाला है वो इसके अंदर जाए थोड़ा सा और फिर मैं दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए पकाऊँगी। जी तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। इतना पानी डालेंगे कि जो हमारे कबाब थे वो इसमें टूट जाएं, डुबकियां लगाएं और फिर हम इसको पका के अपनी पसंद का जितना रखना चाहें हम रख सकते हैं। जी तो कवर करके हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर दूंगी और इतनी ही देर के लिए पका के फिर देखते हैं कि इसका क्या बनता है। जी तो मुझे 12 से 15 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं इसको कवर किए हुए। मैंने मीडियम आंच जो थी वो रखी थी। देखिए कितने मज़े से हमारी ग्रेवी ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया है और हमारी जो ग्रेवी है वो भी देखिए कैसे गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। अब हम लेंगे क्रीम, वो हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी। इसको अच्छे से करेंगे इसमें मिक्स। अब इसको बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं 2 से 3 मिनट और जो हैं वो इसको इसके साथ पका लूंगी फिर बस डिश आउट कर लूंगी। जी तो 2 मिनट जो हैं 2 से 3 मिनट मैंने बस इसको हल्का सा जो है वो दोबारा पकाया है क्रीम डाल के और ये देखिए किस कदर यमी यमी सा जो है वो ये लग रहा है। तो बस इसको हम क्या करेंगे कि डिश आउट कर लेंगे। तो ये रही हमारी आज की सीख कबाब कढ़ाई की फाइनल लुक, जो कि उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो मेरी रेसिपी तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी नेक तमन्नाओं का और आपके इतने ज्यादा प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एंजॉय कीजिए मेरी इस डिश के फाइनल लुक को।